ये तीसरा चैप्टर है रंगास मैरिज, मस्ती वेंकटेश अयंगर। हालांकि ये जो स्टोरी है इसमें एक रंगा नाम का एक करेक्टर है, उसके बारे में, उसके विवाह के संबंध में ये स्टोरी है, लेकिन साथ ही साथ इस स्टोरी में बहुत कॉमिकल वे में लेखक ने यहाँ स्टोरी को रिप्रेजेंट किया है। और साथ ही साथ इसमें चाइल्ड मैरिज का मजाक उड़ाया गया है, एस्ट्रोलॉजर का मजाक उड़ाया गया है हल्का, लेखक ने इसका फन बनाया है, जियोग्राफर का और कुछ इंग्लिश वर्ड्स का। तो बड़ा मजा आएगा, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है मस्ती वेंकटेश अयंगर की। ठीक है, तो देखें जरा, समझे। वेन यू सी दिस टाइटल, कि लेखक कहता है कि वेन यू सी दिस टाइटल, कि जब आप ये टाइटल देखेंगे तो सम ऑफ यू मे आस्क, तो आप में से कुछ पूछ सकते हैं, रंगाज मैरिज क्वेश्चन मार्क, यानी इसका जो टाइटल है रंगा मैरिज क्यों रखा गया, व्हाई नॉट, क्यों नहीं रखा गया रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजया, कि रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजया क्यों नहीं रखा गया। वेल ठीक, यस हाँ, आई नो, मैं जानता हूं, आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग, कि लेखक कहता है मैं जानता हूं कि मैं कुछ यूज कर सकता था लेकिन मैंने यूज नहीं किया। आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग, कोई माउथ फिलिंग यानी जो जिसमें मुंह में पानी आ जाए, ऐसा कोई टाइटल मैं रख सकता था। वन लाइक, यानी ऐसा कोई एक जो लाइक किसकी तरह होता, जगन्नाथ विजया या जगन्नाथ विजया या गिरिजा कल्याण, इस तरह में कोई टाइटल रख सकता था। बट देन, लेकिन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथास इस विक्ट्री और गिरजास वेडिंग, कि ये ना तो जगन्नाथ की विक्ट्री से रिलेटेड है ना गिरजा की वेडिंग से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड। इट इज अबाउट आर ओन रंगाज मैरिज, ये है हमारे खुद के रंगा की विवाह की। एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए कोई भी मैंने यहां काल्पनिक यानी फैंसी टाइटल नहीं रखा। होसाहल्ली इज आर विलेज, कि जो होसाहल्ली है वो हमारा गांव है। तो लेखक इसमें कहता है कि आप जब ये टाइटल देखेंगे तो आप पूछ सकते हैं कि रंगा का रंगाज मैरिज ही क्यों रखा गया, रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजया क्यों नहीं रखा गया। तो लेखक कहता है मैं कोई अदर माउथ फिलिंग यानी जिसमें मुंह में पानी आ जाए, ऐसा कोई मैं टाइटल रख सकता है जैसे जगन्नाथ विजया और गिरजा कल्याण, है ना, इस तरीके से मैं रख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये ना तो जगन्नाथ विजय के बारे में है और ना गिरजा कल्याण के बारे में। इट इज अबाउट और ऑन रंगाज मैरिज, ये हमारी खुद की रंगा की शादी के बारे में है। सो हेंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए मैंने इसका कोई फैंसी टाइटल नहीं रखा। होसाहल्ली इज अवर विलेज, कि लेखक कहता है होसाहल्ली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, कि आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा। नो, नहीं सुना, व्हाट अ पिटी, कितनी बुरी बात है, कितनी दयनीय बात है कि आपने नहीं सुना। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपकी फॉल्ट नहीं, आपकी गलती नहीं है। इट इज नॉट योर फॉल्ट, देयर इज नो मेंशन ऑफ इट, कि देयर इज नो मेंशन ऑफ इट, इसका कोई मेंशन नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है इन एनी ज्योग्राफी बुक, कि किसी भी ज्योग्राफी की बुक में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, यानी वे साहिब, साहिब लोग यानी बड़े लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश लिखते हैं, ठीक, जो अंग्रेजी में लिखते हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, प्रोबेबली डू नॉट नो, संभवता, प्रोबेबली संभवता, डू नॉट नो दैट, वे ये नहीं जानते कि सच अ प्लेस एग्जिस्ट, कि ऐसा कोई प्लेस एग्जिस्ट है, विद्यमान है धरती पर। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए उन्होंने मेक माने बनाया, नो मेंशन ऑफ इट, इन इसका कोई उल्लेख नहीं किया। और ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के जो लोग हैं वे भी इसके बारे में भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज, आप जानते हैं ये कैसे होता है, कि कैसे वो लोग भूल जाते हैं। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, कि लेखक कहता है कि हमारे खुद के गांव के लोग ही इसके बारे में भूल जाते हैं। आप जानते हैं कि वे किस प्रकार के लोग हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं। You know how it is, ये कैसे है, ये कैसे हो जाता है। They are like a flock of sheep, कि वे एक flock of sheep यानी भेड़ों का एक झुंड है। One sheep walks into a pit, अगर एक sheep walks into a pit, ये pit माने गड्ढा, एक sheep अगर गड्ढे में घुस जाती है तो the rest blindly follow it, तो बाकी की जो sheep है वो उसको blindly follow करती है। When both, कि जब दोनों। The sahibs in England, कि दोनों लोग कौन कौन,
साहिब से इंग्लैंड, जो अंग्रेज इंग्लैंड में जो साहिब यानी बड़े लोग जो रहते हैं, यानी अंग्रेजों के बारे में बात हो रही, एंड आर ऑन जियोग्राफर, और हमारे खुद के जो जियोग्राफर हैं यानी भूगोल के लेखक हैं, उनको ये सब हैव नॉट रेफर टू इट, उन्होंने इसको रेफर नहीं किया यानी जिक्र इसका नहीं किया। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बेचारे कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर वो पर्सन होता है जो मैप वगैरह बनाता है ना, टू रिमेंबर कि वो याद रखे, टू पुट इट ऑन द मैप कि इसको मैप पर पुट करना है, रखना है इसको, वो याद रखे, आप उससे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आशा नहीं कर सकते। जब इंग्लैंड के लोग ही भूल गए यानी साहिब लोग ही भूल गए, हमारे जियोग्राफर भूल गए इसको मेंशन करना, इसका उल्लेख करना, कैन यू, क्या आप ऐसी आशा कर सकते हैं। एंड और सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ अवर ब्लेज इन एनी मैप, सो लेखक कहता है देयर इज नॉट इवन द शैडो कि इसलिए यहां तक कि एक शैडो भी नहीं है, छाया भी नहीं है हमारे गांव की ऑन एनी मैप, किसी भी मैप पर। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर, लेखक कहता है सॉरी मुझे दुख है कि मैंने स्टार्टेड समवेयर, मैंने कहीं से स्टार्ट किया था, एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और देन वेंट ऑफ यानी चला गया, भटक के चला गया किसी दूसरी डायरेक्शन पर, मैं बह गया यानी मैं बात कुछ कर रहा था रंगनाथ विभाग की और मैं पहुंच गया कहां, दूसरी जगह, अपने गांव के बारे में बताया गया, बताने लगा, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। फिर आगे वो कहता है इफ द स्टेट ऑफ मैसूर, कि जो मैसूर राज है, इफ द स्टेट ऑफ मैसूर, यदि मैसूर राज्य इज है टू भारतवर्ष, यानी मैसूर राज्य यदि भारतवर्ष के लिए है, या ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष का जो मैसूर राज्य, मैसूर राज का जो भारतवर्ष से संबंध है, व्हाट द स्वीट करीगा दाबू, यानी यदि मैसूर राज का भारतवर्ष से जो संबंध है और जो कुछ संबंध, स्वीट करदा गाबू यानी एक मिठाई है जिसका नाम है करदा गाबू, इज टू अ फेस्टिव मील, जो फेस्टिव मील यानी त्योहार का एक भोजन है, यानी जो त्योहार में हमारे यहां जो एक भोजन होता है, एक विशेष प्रकार की मिठाई होती है जिसको करदा करिगा दाबू बोलते हैं, उसका संबंध जो त्योहार के भोजन से है, ठीक ठीक वही संबंध, यानी जैसे मान लो मैसूर का संबंध, मैसूर राज का संबंध भारत से है, और वही संबंध करिगा दाबू का त्योहार के में बनने वाली एक मिठाई से, भोजन से है, मील माने होता है भोजन, तो देन होसा अली इज टू मैसूर स्टेट, कि फिर वही होसा हल्ली का संबंध मैसूर से है, और व्हाट द फीलिंग, वही जो कुछ फीलिंग होता है, भरा होता है, इज टू द करिदा गाबू, यानी लेखक यहां ये कहना चाह रहा है कि यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है जो करिदा गाबू का त्योहार के भोजन से यानी त्योहार की मिठाई से है, यानी एक प्रकार का स्वीट जिस मीठी बनती है जिसमें जो जो आइटम भरे जाते होंगे शायद मीठे भरे जाते हैं, है ना, समझ रहे आप बात, जिसमें कोकोनट और शुगर वगैरह भरी जाती है, तो वो कह रहा है यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है जो करदा गाबू का त्योहार के भोजन से है, तो होसा हल्ली का संबंध भी मैसूर राज्य से वही होगा जो करिगा दाबू का उसके अंदर भरी जाने वाली खाद्य सामग्री से है, यानी व्हाट द फीलिंग इज टू द करिगा दाबू, समझ गए। आगे देखें व्हाट आई हैव सेड, कि लेखक कहता है जो कुछ मैंने कहा इज एब्सोल्युटली ट्रू, कि वो वास्तव में ट्रू है, बिलीव मी मुझ पर विश्वास करो, आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, कि मैं आपकी क्वेश्चनिंग पर ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, संदेह नहीं करूंगा यदि आप उस पर कुछ प्रश्न पूछते हैं, बट क्वेश्चनिंग इट, कि अगर आप इस पर कोई प्रश्न करें तो मैं इस पर संदेह नहीं करूंगा, बट लेकिन आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपने मत पर, अपने ओपिनियन पर मैं स्टिक रहूंगा, अड़ा रहूंगा, समझ गए। आई एम नॉट द ओनली वन, लेखक कहता है आई एम नॉट द ओनली वन, मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं ही अकेला एकमात्र नहीं हूं, हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसा हल्ली, कि जो होसा हल्ली के बारे में बड़े ग्लोइंगली, बड़े चमकदार तरीके से या उसकी तारीफ करते हुए होसा हल्ली के बारे में बता रहा हूं, मैं ही अकेला ऐसा मात्र व्यक्ति नहीं हूं। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर
प्लेस, कि हमारे जगह यानी हमारे गांव में, प्लेस का मतलब इधर गांव से संबंध है, तो वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, कि हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है, हिज नेम इज गुंडा भट्ट, उसका नाम है गुंडा भट्ट, ही एग्रीज विद मी, वो मुझसे सहमत है, यानी जो मैं कह रहा हूं वही आप, वो भी आपसे यही चीज कहेगा, ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, कि लेखक कह रहा है कि ही हैज बीन, कि वो हो चुका है या रह चुका है, टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, कि कुछ जगह वो जा चुका, यानी वो कई अनेक जगह वो घूम आया है, नो नहीं नॉट इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड नहीं गया, इफ एनी वन आस्क हिम, यदि उससे कोई पूछता है वेदर ही हैज बीन देयर, कि वह वहां गया या नहीं, तो ही सेज, तो इस पर वो कहता है नो अनन्या। अब जो ये अनन्या शब्द है, ये एक आदरणीय शब्द है जो बोला जाता है वहां, लेखक के यहां ये चीज बोला जाता है, तो यदि कोई उससे पूछता है कि तुम वहां गए थे, कि यदि कोई उससे पूछता है, इफ एनीवन आस्क हिम, अगर कोई उससे पूछता है वेदर ही हैज बीन देयर, कि वह वहां गया था, तो कहता नो ही सेज, वो कहता नो अनन्या, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, कि वो कहता है मैंने वह काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया, यानी मैं नहीं गया, अब तुम चले जाओ, समझ गए, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, रनिंग अराउंड, अब वो कहता है रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग, फ्ली पेस्टर्ड, पिस्सू, पेस्टर्ड माने हुआ सताया हुआ, कि पिस्सू के द्वारा सताया हुआ, यानी पिस्सू से तंग कुत्ते की तरह मारे मारे फिरना मेरा काम नहीं है, इज नॉट फॉर मी, वो कह रहा है इज नॉट फॉर मी, वो क्या कह रहा है कि रनिंग अराउंड, कि चारों ओर दौड़ना, लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग, कि एक फ्ली पेस्टर्ड डॉग की तरह, इज नॉट फॉर मी, ये चीज मेरे लिए नहीं है, यानी मैं ऐसा नहीं करता कि चाहे जहां छुचवाता फिर घूमता फिर, आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माय टाइम, कि वो कहता है कि कुछ जगह, आई हैव सीन फ्यू प्लेसेस इन माय टाइम, कि मैंने अपनी समय मैंने कुछ जगह देखी है, दो यद्यपि, हालांकि देखी है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर बात की जाए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी इस मैटर पर अगर बात की जाए, तो मैंने कुछ जगह देखी है, है ना, ही हैज सीन मैनी, अब लेखक कहता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, लेखक ये बात कहता है अब, कि हालांकि वो ये कहता है कि मैंने कुछ जगह देखी है, यद्यपि, दो माने यद्यपि, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, अब लेखक कहता है हालांकि अगर बात की जाए इस संदर्भ में, तो बहुत सारी जगह देख चुका है, लेकिन बताता बहुत कम है, कहता है मैंने कुछ देखी, फिर आगे देखें जरा, वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आर विलेज, अब लेखक कहता है वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आर विलेज, कि हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं, सम मैंगो ट्रीज, कम विजिट अस, आओ और हमें घूमने आओ, हमारे यहाँ घूमने आओ, एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो, और लेखक कहता है कि मैं आपको एक रॉ मैंगो दूंगा, एक कच्चा मैंगो दूंगा, फ्रॉम वन ऑफ देम, कि उनमें से, उन्हीं आमों में से, आम के जो पेड़ है वहां में से आपको मैं एक रॉ मैंगो दूंगा, एक कच्चा मैंगो दूंगा, डू नॉट ईट इट, इसको खाना मत, जस्ट टेक अ बाइट, बस एक बाइट लेना, यानी एक बार इसको चखना, थोड़ा सा टुकड़ा काट के, द सोरनेस, और जो इसका सोरनेस होगा, इसका खट्टापन होगा, इट्स श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, और लेखक कहता है कि इसका जो खट्टापन है वो निश्चित रूप से श्योर टू गो स्ट्रेट, वो सीधा स्ट्रेट चला जाएगा टू योर ब्रह्मरंध्र, कि तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में चला जाएगा, यानी आपके ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाए, ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करने का अर्थ ये है कि उसकी जो खट्टापन है वो सीधे मस्तिष्क में असर करेगा, आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, कि लेखक कहता आई वंस, एक बार मैं टुक ले गया, वन माने एक, सच फ्रूट ऐसा फल होम, घर ले गया मैं, एंड अ चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और इसकी मैंने चटनी बनाई, ऑल ऑफ अस ईट इट, ऑल आउट ऑफ अस ईट इट, कि हम सब ने इसको खाया, द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, और फिर जो खांसी वी सफर्ड फ्रॉम, यानी जिस खांसी से हमने फिर सफर किया माने कष्ट झेला, आफ्टर दैट उसके बाद, इट वॉज बीन, ये तब की बात है, आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, इट वॉज बीन, यानी जब हमें इतना कष्ट हुआ तब हम वेन, जब आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, फिर मैं कफ मेडिसिन यानी खांसी की दवाई के लिए गया, तो दैट की द डॉक्टर टोल्ड मी, तभी डॉक्टर ने मुझे बताया, द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, और फिर फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में डॉक्टर ने मुझे बताया, अब देखे आगे जरा,
क्लियर हो गई बात। तो अभी अपने गांव और गांव की आम के बारे में ही बता रहा है, डॉक्टर के बारे में बता रहा है, गुंडा भट्ट के बारे में, ठीक है। अब आगे देखें, जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। कि लेखक कहता है जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, कि ठीक जैसे मैंगो स्पेशल है ना, सो इज वैसे ही है एवरीथिंग, प्रत्येक एल्स माने अन्य, प्रत्येक अन्य चीज भी अराउंड आवर विलेज, कि हमारे गांव के चारों तरफ अन्य चीज भी वैसे ही स्पेशल। बी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग, लेखक कहता है कि बी हैव अ क्रीपर, कि हमारे यहाँ क्रीपर होती है, बेल होती है ग्रोइंग, जो उगती है इन द एवर सो फाइन वॉटर ऑफ द ब्लेस पॉन्ड। कि गांव का जो स्वच्छ पानी, जो तालाब है, ब्लेस पॉन्ड है, उसके स्वच्छ पानी में एक क्रीपर होती है, माने बेल होती है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड, कि जो इसके फूल हैं, इसके जो फ्लावर्स हैं, वो एक फीस्ट होते हैं, एक दावत होते हैं, एक भोज होते हैं, टू बिहोल्ड, देखने में। यानी फूलों को आंखों के लिए किसी भोज जैसा ही आनंद मिलता है, यानी उनको देख भलो तो ऐसे लगते हैं भोजन कर लिया हो, है ना। गेट टू लीप्स फ्रॉम द क्रीपर, लेखक कहता है गेट ले लें टू लीप्स फ्रॉम द क्रीपर, कि उस बेल से दो लीव ले लें, दो पत्तियां ले लें, व्हेन यू गो टू द पॉन्ड, कि जब आप पॉन्ड में जाएं फॉर योर बाथ, अगर आप पॉन्ड में जब स्नान करने के लिए जाएं, जब तो क्या करें, बाथ माने स्नान करना, ठीक है, तो आप क्या करें उसकी दो बेल ले लें, एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉट हैविंग लीव्स, कि आपके पास पत्तियां नहीं है, ऑन विच, जिस पर टू सर्व द आफ्टरनून मील, कि जिस पर आपको दिन का भोजन सर्व करना पड़े, परोसना पड़े। यानी अगर आप उसकी बेल की दो पत्तियां ले लेते हैं तो फिर आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपको कुछ और चाहिए कि जिस पर भोजन परोसा जाए, यानी दोपहर का भोजन परोसने के लिए, फिर अन्य चीजों की आपको दिक्कत नहीं है। यू विल सी, यू विल से, आप कहेंगे आई एम रैम्बलिंग। अब लेखक कह रहा है कि आप थोड़े यहां कॉमिकल में कहता है वो, यू विल से, आप कहेंगे कि आई एम रैम्बलिंग, कि मैं आपको इधर उधर भटका रहा हूं, रैम्बलिंग कर रहा हूं। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। कि लेखक कहता है इट इज ऑलवेज लाइक दैट, ऐसे ही हमेशा होता है, व्हेन, जब द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, कि जब हमारे गांव का विषय की बात होती है तब हमेशा ऐसे ही होता है, मैं हमेशा भटक के गांव पर चला जाता हूं, ठीक है। ये चीज कम्स अप माने जब भी मेरे गांव का विषय आता है तो मैं ऐसे ही भटक के दूसरी तरफ चला जाता हूं। बट एनफ, लेकिन अब पर्याप्त है, इफ एनी वन ऑफ यू, अगर आप में से कोई, एनी वन ऑफ यू, अगर आप में से कोई वुड लाइक टू विजिट अस, कि हमारे यहां विजिट करना चाहे, तो ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे एक लाइन ड्रॉप कर दे, माने एक लाइन लिख दे, कहने का मतलब मुझे पत्र लिख दे, आई विल लेट यू नो, मैं आपको जानकारी दूंगा, वेयर हो सहली इज, आई विल लेट यू नो, यानी लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक, वेयर हो सहली इज, कि फिर मैं आपको बताऊंगा कि हो सहली कहां स्थित है, एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर, और कौन सी चीजें, यानी किस प्रकार की चीजें यहां है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो, और जो सबसे अच्छा तरीका है गेटिंग टू नो, जानने का, अ प्लेस, एक स्थान के बारे में, इज टू विजिट इट, वो क्या है, इसको घूमना ही सबसे अच्छी चीज है। डोंट यू एग्री, क्या आप इस चीज से एग्री नहीं है, सहमत नहीं है, यानी अगर हम कहीं के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां घूमें। फिर लिखा क्वेश्चन करता है, डोंट यू एग्री, क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है। तो अब लिखा का कहता है, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इट्स समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago। अब लेखक कह रहा है, अब जो कुछ मैं आपसे बताने जा रहा हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, कि जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं, इज समथिंग, वो कुछ कुछ ऐसी है, दैट हैपेंड 10 years ago, कि जो 10 साल पहले हुआ था वो मैं बताने आपको जा रहा हूं। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल, कि वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल, कि हमारे यहां बहुत सारे लोग नहीं थे, हु न्यू इंग्लिश, जो अंग्रेजी जानते थे देन, तब, कि ये 10 साल पहले की बात है जब कोई हमारे अंग्रेजी नहीं जानता था। आर ब्लेज अकाउंटेंट बाज द फर्स्ट वन, कि जो हमारा ब्लेज अकाउंटेंट यानी गांव का जो लेखपाल है वो बाज द फर्स्ट वन, वो एक ऐसा पहला व्यक्ति था, हु हैड एनफ करेज, जिसने पर्याप्त साहस था, जिसमें हु हैड एनफ करेज, पर्याप्त साहस, टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, कि उसके पास पर्याप्त दम थी, हिम्मत थी, साहस थी, कि उसने अपने सन को कहां भेज दिया, बेंगलुरु भेज दिया स्टडी के लिए। इट इज डिफरेंट नाउ, लेकिन अब जो हमारा गांव है, इट इज डिफरेंट नाउ, अब अलग है,
कि हालांकि पहली बार हमारे गांव के अकाउंटेंट ने अपने लड़के को बेंगलुरु पढ़ने के भेजा हिम्मत करके, बड़ा साहस दिखा के उसने, लेकिन अब ये अलग बात है हमारे गांव में, इट इज डिफरेंट नाउ, लेकिन अब चीज अलग है हमारा गांव, देयर आर, यानी अब ये बात अलग है, देयर आर मेनी, बहुत सारे लोग हैं हु नो इंग्लिश, जो अंग्रेजी जानते हैं, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, और छुट्टी के दौरान जब छुट्टियां चलती हैं तो यू कम अक्रॉस देम, कम अक्रॉस माने होता अचानक मिलना, देम उनसे ऑन एवरी स्ट्रीट, तो आप अचानक किसी ना उनसे, आप जो अंग्रेजी बोलना जानते हैं हमारे गांव के लोग, उनसे आप ऑन एवरी स्ट्रीट यानी प्रत्येक गली में आप मिल सकते हैं टॉकिंग इन इंग्लिश, यानी अचानक आपको मुलाकात हो सकती है प्रत्येक गली में उन लोगों से जो अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं। Those days, उन दिनों, we did not speak in English, हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे, nor did we bring in English words, और ना ही, nor did we bring, ना ही हम लाते थे English words को while talking in Kannada, कि जब हम कन्नड़ में बात करते थे तो उसको हम English words को हम वापस नहीं लाते थे, कहने का मतलब ये है कि हम उसको यूज नहीं करते थे, पहले हम क्या करते थे, पहले इतने शब्द कन्नड़ वाले प्रयोग नहीं किए जाते थे, लेकिन अब माने कन्नड़ में बात करते समय इतने इंग्लिश वर्ड्स का यूज नहीं करते थे। व्हाट हैज हैपेंड, अब जो कुछ हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड इज डिसग्रेसफुल, लेखक कह रहा है, अब मजाक उड़ा रहा है इंग्लिश की, कह रहा है कि व्हाट हैज हैपेंड इज डिसग्रेसफुल, कि जो कुछ भी हुआ है वो थोड़ा डिसग्रेसफुल है, माने सर्वनाश है, यानी जो भी परिवर्तन आए, बिलीव मी, उस पर विश्वास कीजिए। द अदर डे, अगले दिन, इट वॉज, आई वॉज इन रमा राव्स हाउस, की लेखक कहता है अगले दिन में रमा राव के घर में था, वेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, कि मैं अगले दिन रमा राव के घर में था, जब जो फायरवुड माने होता है जलाने वाली लकड़ी, है ना, वेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, कि जब वे जलाने वाली लकड़ी का एक बंडल लाए, तो रमा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, कि रमा राव का जो सन था, यानी जो ब्लेस के अकाउंटेंट है उनका सन, ठीक, वो बाहर आया, केम आउट टू पे फॉर इट, माने इसकी कीमत चुकाने के लिए वो बाहर आया, तो ही आस्क्ड द वुमन, तो उसने जो औरत लकड़ी बेच रही थी उससे उसने कहा, हाउ मच शुड आई गिव यू, कि मुझे कितना आपको देना है, अंग्रेजी में बोला, तो माने वो बोला, हाउ मच शुड आई गिव यू, कि मुझे आपको कितना देना है, अपनी भाषा में बोला होगा जो उसको समझ में आ सके उस औरत को, तो फोर पाइस, वो बोला, वो बोली फोर पैसे, सी सेड, उसने कहा। द बॉय टोल्ड हर, तो उस लड़के ने उससे कहा, ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, कि उसको, उसके पास कोई चेंज नहीं है, एंड आस्क्ड हर, और उसने उससे कहा, कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसने उससे कहा कि वो अगले सुबह आए, माने क्या करे, आज ना आए, अगले सुबह आए, दूसरे दिन आए, ऐसा उसने उससे कहा, ठीक है। अब देखें जरा आगे, तो फिर द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, अब वो बेचारी पुअर वुमन, गरीब महिला, वो डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, वो चेंज को नहीं समझ पाई, एंड वेंट अवे मटरिंग, और वेंट अवे निकल गई मटरिंग, बड़बड़ाते हुए, टू हरसेल्फ, स्वयं में, कि आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या बड़बड़ाती गई, लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगा, रंगाज हाउस, कि जब मैं रंगा के घर आया, एंड आस्क्ड हिम, और मैंने उससे पूछा, तो आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ड, तो मैं समझ गया कि क्या इसका मतलब था, यानी क्या उसने कहा और उसने क्या समझा, ठीक। आगे देखें जरा, दिस प्राइसलेस कमोडिटी, कमोडिटी माने होता है सामान, वस्तु, यानी चीज कोई, दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज, इन आवर विलेज अ डिकेड एगो, कि लेखक कहता है कि ये जो प्राइसलेस कमोडिटी, यानी जो अमूल्य चीज है, ये इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड, वो इतनी फैली हुई नहीं थी हमारे गांव में, अ डिकेड एगो, कि एक दस वर्ष के समय के पहले, डिकेड माने होता है दस वर्ष का समय, यानी दस वर्ष पहले इतनी फैली हुई नहीं थी अंग्रेजी, दैट वाज वाई रंगाज होमकमिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, इसलिए जो रंगा की होमकमिंग है, माने रंगा का जो घर आना है, वो एक अपने आप में ग्रेट इवेंट था, एक बड़ी घटना थी,
पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग. अब पीपल रश्ड यानी पीपल रश्ड, लोग भागे. पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग यानी ये अनाउंस करते हुए, चिल्लाते हुए, ये शोर मचाते हुए, ये कहते हुए भागे, ये घोषणा करते, अनाउंस माने घोषणा करना है ना, तो ये घोषणा करते हुए लोग भागे कि द अकाउंटेंट्स सन हैज कम, कि अकाउंटेंट का लड़का आ गया, लेखपाल का लड़का आ गया. लोग मतलब पहली बार वो आया पढ़ के तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो सब लोग उसके घर की तरफ, उसके डोर स्टेप माने दरवाजे में गए दौड़ते हुए, और ये अनाउंस करते हुए कि अकाउंटेंट का सन आ गया है. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर, और वो लड़का जो बेंगलोर गया था फॉर हिज स्टडीज, स्टडी के लिए, इज हियर, अब वो यही है, आ गया है. इट सीम्स, ऐसे लगता है वो अब आ गया है, यही है. इट सीम्स, ऐसे लगता है कि वो आ गया. लोग ऐसे चिल्लाते हुए दौड़ रहे. एंड कम, और आओ. रंगा इज हियर, रंगा यहां है. लेट्स गो, चलो. एंड हैव अ लुक, चलो देखें, एक लुक मारे, जरा एक नजर मारते हैं. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, अब भीड़ से अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर, आई टू वेंट, मैं भी गया. एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड, और मैं उसके बरामदे में, कोर्ट यार्ड में खड़ा हो गया. एंड आस्क्ड, और मैंने पूछा व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, कि ये सारे लोग क्यों आए हैं. व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सारे लोग क्यों आए हुए हैं. देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहां कोई बंदर तो परफॉर्म कर नहीं रहा, यानी यहां कोई बंदर का तमाशा तो नहीं होने वाला है, यहां सब लोग फिर क्यों आए हैं. तो अब वाय, अब फेलो विदाउट, एक वाय, अब फेलो माने एक साथी है, एक व्यक्ति, विदाउट एनी ब्रेन्स, जिसके कोई दिमाग तो है ही नहीं, यानी जिसके दिमाग तो था ही नहीं. सेड लाउड एनफ फॉर एवरी वन टू हियर, सेड उसने कहा, लाउड माने तेजी से, एनफ पर्याप्त तेजी से कहा, फॉर एनी वन टू हियर, कि अब कोई भी उसको सुन ले, उसने इतनी तेजी से कहा. और क्या बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, कि जब बंदर का तमाशा नहीं हो रहा है तो व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, कि आप फिर यहां क्या कर रहे हैं. व्हाट आर यू डूइंग हियर देन माने अब, फिर आप जब बंदर का तमाशा नहीं हो रहा तो भैया आप क्या कर रहे हैं. लेखक से उसने उल्टा ये चीज कही, एक व्यक्ति ने. ठीक है, आगे देखें जरा. तो अ यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, कि उसने, अब वो ऐसा ही यंगस्टर था, ऐसा ही युवा था, इमैच्योर जो अपरिपक्व था, विदाउट एनी मैनर्स, उसको कोई मैनर्स नहीं था, बोलने का कोई तरीका उसको पता नहीं था. थिंकिंग दैट, उसने ये सोचते हुए, थिंकिंग दैट ये सोचते हुए, ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, आई केप्ट क्वाइट. थिंकिंग, ये सोचते हुए कि ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें, वर नाउ ऑफ द पास्ट, ये सब चीजें पीछे जमाने की चीजें हो चुकी है, यानी पास्ट की चीजें हैं अब ये, और ये सोचकर कि मेरी बातें पुराने जमाने की हैं, यानी ये सब चीजें पुराने जमाने की है. आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा, माने मैंने फिर बोलने की हिम्मत नहीं की, लेखक ये कह रहा है. तो सीइंग मैनी पीपल, सीइंग सो मैनी पीपल देयर, अब बहुत सारे लोगों को वहां देखकर, रंगा केम आउट विद अ स्माइल, कि रंगा एक स्माइल के साथ, मुस्कुराते हुए बाहर आया. ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर बाहर आया. और हैड बी ऑल गॉन इनसाइड, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता. अब लेखक कहता है यहां कि हैड बी ऑल गॉन इनसाइड, कि यदि Be all gone inside, अगर हम सब अंदर चले गए होते तो the place would have turned, तो ये जो जगह है यानी रंगा का जो घर है वो बदल चुका होता. turned into what, जो कुछ उस चीज में बदल चुका होता, जिसको हम pupil call यानी लोग जिसको क्या कहते हैं, the black hole of Calcutta, यानी कलकत्ता के ब्लैक होल के रूप में बदल गया हुआ, यानी अंधेरी काल कोठरी के रूप में बदल गया होता. थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, इट डिड नॉट, ऐसा नहीं हुआ. एवरी वन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन सिक्स मंथ एगो, कि सभी लोग अब सरप्राइज थे, सभी लोगों को इस चीज का आश्चर्य था ये देखकर, टू सी ये देखकर कि रंगा वाज द सेम, रंगा वैसे ही था, एज ही हैड बीन सिक्स मंथ एगो, कि जैसा वो छह महीने पहले था वो वैसा ही अभी है. ये सब देखकर बड़ा आश्चर्यचकित
हो गए। वेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आर विलेज, कि जब उसने 6 महीने पहले अपना गांव छोड़ा था, ठीक वो वैसे ही उसको पाकर सभी लोग चकित थे। एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला वहीं, यानी लोग अवरंगा को देखने आए हैं, ठीक है, तो एक बूढ़ी महिला हू वाज नियर हिम, जो उसके पास थी, रेन हर हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया ओवर हिज चेस्ट, उसकी छाती पे, और लुक्ड इनटू हिज आईज, उसकी आंखों में उसने झांक के कहा एंड सेड, झांक कर उसने कहा एंड सेड, कहा द जनेवरा इज स्टिल देयर, कि जनेवरा अभी भी वही है। जनेवरा माने जनेऊ, जनेऊ धारण करना, यानी जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो, यानी जनेऊ वो डाले था। तो ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, कि उसने अपनी जाति को भी नहीं खोया है, यानी वो अभी ज्यों का त्यों है, ठीक है, यानी उसने अपनी जाति से नाता नहीं तोड़ा है। सी वेंट अवे शून, अब वो शीघ्र ही निकल गई। आफ्टर दैट, उसके बाद रंगा लाफ्ड, और रंगा हंसने लगा, रंगा हंसा। वंस दे रियलाइज्ड दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स लेग्स आईज एंड नोज। वंस दे रियलाइज, लेखक कह रहा है एक बार उन्होंने सबने रियलाइज किया, महसूस किया कि रंगा, दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, कि रंगा के अभी भी सेम हैंड्स हैं, यानी उतने ही हाथ हैं, उतने ही पैर हैं, उतने ही आंखें हैं, उतने ही क्या है उसका नोज है, मतलब एक ही नोज है, यानी जैसा था वैसे, ये मतलब है उसका। द क्राउड मेल्टेड अबे, और इतना होकर जो भीड़ है वो मेल्टेड अबे, घुलकर गायब हो गई। मेल्ट माने होता घुल जाना, मेल्टेड अबे माने चली गई। लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, लंप ऑफ शुगर यानी शक्कर का, यह कहें मिश्री का ढेला, ठीक, मिश्री की डली घुल जाती है ना, लंप ऑफ शुगर घुल जाती है बच्चे के मुंह में, वैसी भीड़ इतना सब महसूस करके चली गई। रंगा जैसा था वैसे ही है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेखक कह रहा आई कंटिन्यू, मैं बराबर स्टैंड देयर वहीं खड़ा रहा, मैं आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सब चले गए तो मैं वहीं खड़ा रहा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा हाउ आर यू रंगप्पा, लेखक कहता कि मैं रंगनाथ से पूछा, रंगा से पूछा हाउ आर यू रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब ठीक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, कि इट वॉज ओनली देन, ये केवल तभी था जब रंगा ने मुझे नोटिस किया, मुझे देखा, यानी जब मैंने उससे पूछा, यानी इसके पहले रंगा ने नोटिस नहीं किया था, देख नहीं पाया था लेखक को। ही केम, वो आया नियर मी, मेरे पास आया, एंड डिड नॉट डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और लेखक कहता है उसने बड़े रिस्पेक्टफुली, बड़े आदर से मुझे नमस्कार किया, सेइंग, ये कहकर कि आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूं, विद योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से, ब्लेसिंग्स माने आशीर्वाद। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू हिज, टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास करेक्टर, कि लेखक अब कहता है कि आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन, मैं जरूर आपका ध्यान ड्रॉ करूंगा, खींचूंगा, टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास करेक्टर, कि रंगा के करेक्टर यानी रंगा का जो गुण है, रंगा के चरित्र का ये जो पहलू है, इस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, किनका, हम लोगों का जो ये पढ़ रहे चैप्टर, ठीक है। He knew, वो जानता था, when it would be to his advantage, कि कब ये advantage होगा, यानी उसके लिए कब लाभ की बात होगी, to talk to someone, किसी से बात करना उसके लिए कब लाभदायक होगा, ये चीज वो जानता था। And rightly assessed pupils worth, और rightly, वो ठीक ठाक assess कर लेता था, माने निर्धारण कर लेता था, यानी पता लगा लेता था लोगों की क्या वर्थ, योग्यता, कि कौन कितना योग्य, लोगों का मूल्यांकन वो कर लेता था सही सही, ठीक है। तो एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, अब लेखक कहता है एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, अब उसके मेरे प्रति जो नमस्कार की अगर बात की जाए तो है ना, तो ही डिड नॉट डू इट, तो उसने नमस्कार ऐसे नहीं किया, लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, कि जो वर्तमान में जो लड़के करते हैं, विद हिज हैंड हेड अप, कि अपना हिज हेड अप, कि कैसे करते हैं आजकल के लड़के नमस्कार, कि उनका हेड, सिर जो होता है सीधा होता है, लाइक द सन, जैसे सूर्य, सूर्य की तरफ उनका सिर होता है, और स्टैंडिंग स्टेप, और वो सीधा तन कर स्टेप, एक बिल्कुल कड़क खड़े रहते हैं, ठीक है, स्टैंडिंग स्टेप, ठीक, यानी अकड़कर, स्टेप माने अकड़कर खड़े होते हैं, लाइक अ पोल, खंबे की तरह, विदाउट ज्वाइंट्स, कि जिसमें कोई ज्वाइंट नहीं, यानी सपाट खंबे की तरह खड़े रहते हैं, वैसे कि नमस्कार करते, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ,
और अपनी बॉडी को ऐसे झटका देते हैं एज इफ मानो इट वॉज आइदर अ बैंड, कि मानो या तो ये कोई डंडा हो, है ना, कोई छड़ी हो, और अ वॉकिंग स्टिक, या कोई वॉकिंग स्टिक हो, इस तरीके से नमस्कार करते हैं। नॉर डिड ही, तो कह रहा है रंगा ने ऐसे नमस्कार नहीं किया, और नॉर डिड ही, ना ही उसने ऐसे किया, मियरली फोल्ड हिज हैंड, कि मियरली केवल अपने हाथों को फोल्ड कर लिया हो, मोड़ लिया हो। ही बेंट लो, वो झुक गया, टू टच माई फीट, मेरे पैर उसने छुए, मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उसको ब्लेसिंग करते हुए आशीर्वाद दिया, मे यू गेट मैरिड सून, ठीक है। After exchanging a few pleasantries, I left. कि लेखक कहता है कि अब कुछ pleasantries माने कुछ दिल लगी, कुछ हंसी दिल लगी की बातें हुई, exchange हुई यानी आपस में बातें हुई, और I left, फिर मैं चला गया। यानी after exchanging, कुछ बहुत exchange करने के बाद, बातें करने के बाद, यहां a few pleasantries करने के बाद फिर मैं चला गया। अब आगे देखें, दैट आफ्टरनून वेन आई वॉज रेस्टिंग, लेखक कहता है दैट आफ्टरनून, उस शाम, वेन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, कि रंगा मेरे घर आया, विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, कि अपने हाथ में कुछ ऑरेंजेस लेकर, यानी कुछ संतरे लेकर मेरे घर आया, कुछ संतरे लेकर आया। अ जनरस, एक उदार, कंसिडरेट माने विचारशील फेलो, व्यक्ति, वो एक कंसिडरेट और जनरस यानी उदार व्यक्ति था, विचारशील, कंसिडरेट माने विचारशील व्यक्ति था। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी सेटल डाउन, और ये उसके लिए अच्छी बात होगी कि टू हैव हिम मैरी, कि उसका शादी हो जाए, है ना, सेटल डाउन, वो सेटल हो जाए, एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और वो समाज की सेवा भी करने लगे, बी माने हो जाए, ऑफ सर्विस, सेवा का हो जाए, टू सोसाइटी, समाज के लिए, आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा जब वो मेरे लिए वो संतरे लेकर आया। फॉर अ वाइल, एक क्षण के लिए, वी टॉक्ड अबाउट दिस, एक क्षण के लिए इस बारे में हमने बात की, यानी समाज समाज की सब ये चर्चाएं की, एंड दैट, दिस एंड दैट माने इधर उधर की बातें की, ठीक है। देन तब आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं पॉइंट पर आया, रंगप्पा, और मैंने क्या कहा, लेखक का पॉइंट की बात कर रहा है, और क्या कह रहा है, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कि तुम्हारा प्लान कब है, कब चाहते हो शादी करना, गेट मैरिड होना। तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सेड, तो उसने कहा आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, मैं अभी शादी करने नहीं जा रहा हूं, ही सेड, उसने कहा, व्हाई नॉट, तब मैंने कहा क्यों नहीं, तो आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, अब वो कहता है, रंगा कहता है कि आई नीड, मुझे जरूरत टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की की जरूरत है। आई नो एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर को जानता हूं, हु गॉट मैरिड, कि जिसकी शादी हो गई, ओनली 6 मंथ एगो, कि जिसकी शादी मात्र 6 महीने पहले हुई थी, मैं उस एक ऑफिसर को जानता हूं। ही इज अबाउट 30, कि वो लगभग 30 का है, एंड हिज वाइफ इज 25, और उसकी वाइफ जो है वो 25 की है, उसकी वाइफ जो है वो 25 की है। आई एम टोल्ड मतलब ये मुझे बताया, उसने ऐसा बताया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और जब वे आपस में सही एज के हैं, तो दे विल बी एबल, वे योग होंगे टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, कि एक दूसरे से बड़े प्यार पूर्वक बात करने के भी योग होंगे, यानी एक दूसरे से बड़े प्यार से बात कर सकेंगे, क्योंकि उनकी उम्र ऐसी है, है ना, कि लेखक है, अब वो रंगा बात बता रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, है ना। आगे देखें जरा, लेट्स से आई मैरिड, अब वो बता रहा है कि लेट्स से, चलो, एक ऑफिसर के बारे में बता रहा है जिसको वो जानता है, जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई, उसकी उम्र 30 वर्ष है और उसकी वाइफ की उम्र 25 साल है, इसके बारे में बता रहा है। वो कह रहा है जब भी बात करते होंगे तो बड़े प्यार से बात करते, एक दूसरे समझते हुए, तो लेट्स से, अब रंगा कहता है लेट्स से, मान लो, चलो, आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, कि मैं एक छोटी लड़की से मैंने शादी कर ली, तो सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, सी मे टेक, वो ले सकती है मेरे माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को, स्पोकन इन लव, जो मैं प्यार से कहूं, एज वर्ड्स, उन शब्दों के रूप में, स्पोकन इन एंगर, यानी मेरे प्यार भरे शब्दों को वो क्रोध में कहे हुए शब्द समझ सकती है। तो रिसेंटली, हाल ही में, अ ट्रूप इन बेंगलुरु
स्टेज्ड द प्ले शकुंतला। अब रंग आगे बताता है कि अभी एक ट्रूप ने, यानी एक मंडली ने, अभी एक मंडली ने, ठीक, नाटक मंडली ने, ट्रूप ने बेंगलुरु में एक स्टेज्ड यानी स्टेज में परफॉर्म किया, क्या, शकुंतला नाम का प्ले, नाटक परफॉर्म किया। देयर इज नो क्वेश्चन, अब नाटक के बारे में बता रहा है कि देयर इज नो क्वेश्चन, इसमें कोई संदेह नहीं ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुष्यंत शकुंतला के प्रेम में पड़ जाता है। इफ सी वर यंग, अगर वो युवा है तो वो पड़ जाएगा, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, कि जैसे कि वर्तमान में जो ब्राइड्स हैं होती हैं, है ना, कि अगर वो वैसे ही हो तो जरूरी है कि वो पढ़ सकता है प्रेम में, यानी कोई अगर यदि युवा है और युवा युवा के ही प्रेम में पढ़ सकता है। इस देयर कि वो कहता है, आगे वो बताता है कि अगर इस यदि शकुंतला छोटी होती तो, मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ सी वर यंग, कि अगर वो यंग होती तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो उसके प्रेम में पड़ जाता, है ना। तो वो इस तरीके से कहता है, लेखक कहता है कि यदि दुष्यंत, यदि शकुंतला छोटी होती तो दुष्यंत कभी उससे प्रेम नहीं करता, और इतनी छोटी जैसे कि आज की, मतलब ये होती है, है ना, यानी वो युवा होती तभी वो प्रेम में पड़ सकता है। कि दुष्यंत आगे कहते, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो शकुंतला के प्रेम में पड़ जाता है, इफ सी वर यंग, अगर वो यंग है तो, अगर छोटी है, जैसे लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे वर्तमान में अभी, अब चूंकि वहां की बात हो रही है कि जब लेखक के गांव में बहुत बचपन में शादी हो जाती है, तो रंगा उसी की बात कर रहा है, जैसे वर्तमान में ब्राइड्स होती है इस दियर, क्या ऐसा नहीं होता, क्या ऐसा नहीं है गांव में। तो फिर वो आगे कहता है, व्हाट वुड हैव हैपेंड, कि क्या हुआ होता टू कालिदास आज प्ले, कालिदास के प्ले में, नाटक में, इफ वन गेट्स मैरिड, अगर कोई व्यक्ति शादी कर ले, इट शुड बी टू अ गर्ल, तो वो शादी ऐसी लड़की से हो, हु इज मैच्योर, कि जो मैच्योर हो। कि आगे लेखक कहता है, मतलब लेखक के जो रंगा है, रंगा का कहने का अर्थ यह है कि जो शादी हो वो मैच्योर लड़की से हो, छोटी लड़की से ना हो। तो फिर कालिदास के नाटक की रचना कैसे होती अगर ऐसा होता तो, ठीक, माने फिर कालिदास के नाटक का क्या होगा, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, अगर ऐसा ना होता, माने फिर नाटक ही नहीं देखी जाती कि लड़की छोटी लड़का बहुत बड़ा, इस टाइप से, है ना। तो यानी ये प्रेजेंट बिल्कुल समान एज लगभग की होनी चाहिए, तो अदरवाइज अन्यथा वन शुड रिमेन अ बैचलर, यानी अगर लड़की मैच्योर ना हो तो फिर अन्यथा कोई व्यक्ति बैचलर ही बना रहा है। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, कि लेखक कह रहा है इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूं। इज देयर एनी अदर रीजन, अब लेखक पूछता क्या कोई और कारण है। तो अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, और रंगा आगे कहता है कि एक व्यक्ति को शादी करना चाहिए, अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, जिसकी वो प्रशंसा करता है उसकी, उससे शादी करना चाहिए, यानी जिसको पसंद करता है। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस, और जो कुछ अभी हो रहा है, व्हाट वी हैव नाउ, जो अभी हमारे पास, यानी जिस प्रकार की शादियां होती है, सब अरेंज मैरिजेस हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेंस ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, कि वो लेखक आगे वो कहता है कि वो कहता है आजकल जो अरेंज मैरिज होती है, यानी जो देख के शादी होती है, तो आजकल तो ये चलन है, ऐसा हो रहा है, तो हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल, कि व्यक्ति उस लड़की की प्रशंसा कैसे कर सकता है। अ गर्ल विद मिल्क स्टेंस ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, कि जिसके चेहरे पर मिल्क स्टेंड, यानी गाल पर दूध के धब्बे हों एक गाल पर तो, एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरे पर क्या हो, गीलापन हो, और शो यंग, और इतनी छोटी हो, दैट कि सी डज नॉट इवन नो, कि वो यहां तक ये भी ना जानती हो कि हाउ टू वाइट हर फिंगर्स, कि कैसे उसको उंगलियां काटनी है, अपनी फिंगर को वाइट करना है, नाखून को उतरना है। तो वन अ नीम फ्रूट, एक तो हो गया नीम का फल, द अदर अ बिटर गार्ड, और दूसरा हो गया क्या, कड़ुआ कद्दू हो गया, है ना।
तो यानी एक टाइप से कहा जाए तो ये इस टाइप से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखक के कहने का अर्थ ये है, इधर रंगा के थ्रू ये कहना लेखक चाह रहा है कि मतलब जो शादी हो मैच्योर्ड अवस्था में हो, वैसे ना हो कि किसी से भी शादी कर ली, है ना। आगे देखें जरा, आगे देखें। एग्जैक्टली रंगा सेड, रंगा ने कहा लाफिंग। हालांकि ये इतनी चीज जो कह रहा है वो लेखक कह रहा है, ये चीज बता रहा है अपन को, तो जब मतलब रंगा को बता रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक। तो एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, रंगा भी हंसकर कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आई वाज डिस्ट्रेस्ड, कि लेखक कहता है मैं तनाव में था। दैट की द बॉय हु आई थॉट, कि वो लड़का जिसको मैंने सोचा वुड मेक अ गुड हस्बैंड, कि मुझे दुख हुआ कि जिस लड़की के बारे में मैंने सोचा कि वुड मेक अ गुड हस्बैंड, कि वो एक अच्छा पति बनेगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। अब लेखक यहां बात कर रहा है, उस लेखक ने ये लेखक खुद सोचे कि रंगा का वो शादी करे, रंगा का विवाह करवाए, लेकिन उसने तो डिसाइड कर लिया कि बैचलर रहेगा कुंवारा रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, लिटिल लॉन्गर थोड़ा और ज्यादा उससे चैटिंग करने के बाद, बात करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड, कि मैंने मेड अप माई माइंड यानी अपना माइंड मेकअप करना माने तैयार हो गया, मैं तय कर लिया, मैंने राइट देन तभी से मैंने तय कर लिया दैट की आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उससे आई वुड गेट हिम मैरिड, मैं उसका ब्याह करवाऊंगा। रमा राउस नीस अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11 हैड कम टू स्टे विद हिम। अब रमा राउस नीस की जो रमा राव है उसकी जो भतीजी है जो एक सुंदर लड़की है, ठीक है, रमा राव जो है उसकी जो नीस है जो उसकी भतीजी है वो एक सुंदर लड़की, यानी नीस माने होता है भतीजी या भांजी, ठीक है, जो भांजी है उसकी वो 11 साल की है। हैड कम टू स्टे विद हिम, वो उसके यहां रुकने आई है। सी वाज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़े कस्बे से है, सो सी न्यू हाउ टू प्ले द बीना एंड द हारमोनियम, तो वो इसलिए जानती है कि कैसे वीणा और हारमोनियम को बजाना, या हारमोनियम वीणा बजाना जानती है। सी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी एक मीठी आवाज भी है, कहने का मतलब गा भी अच्छा लेती है। तो बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों पेरेंट्स भी मर गए, एंड हर अंकल हैड बॉट हर होम, तो उसके जो अंकल है वो उसको अपने घर ले आए हैं, हर ब्रॉट हर होम, उसको घर ले आए हैं। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, अब लेखक सोच रहा है कि रंगा ठीक उसके लिए लड़का है, कहने का मतलब उसके लायक है। एंड सी और वह द मोस्ट सुइटेबल ब्राइड फॉर हिम, और उसके लिए वो एक सुइटेबल ब्राइड है, दुल्हन है। सिंस आई वाज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू रमा राज प्लेस, अब सिंस माने जब से, आई वाज अ फ्रिक्वेंट विजिटर, फ्रिक्वेंट विजिटर माने बार बार आने जाने वाला, टू रमा राज प्लेस, कि रमाराज के घर में जब से बार बार आता जाता था, द गर्ल वाज क्वाइट फ्री विद मी, तो लड़की तब से मुझसे बिल्कुल फ्री थी, माने मुझसे बातचीत वो कर लेती थी, वो मुझसे बातचीत कर लेती थी। तो आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, अब लेखक बता रहा है अपन को, हम लोगों को कह रहा है कि आई कंप्लीटली फॉरगॉट, मैं पूरी तरह भूल गया टू मेंशन हर नेम, कि उसके नाम का उल्लेख करना, रत्ना, उसका नाम बताया रत्ना, इट वाज ये उसका नाम था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, कि ठीक अगली सुबह, आई वेंट टू देयर हाउस, मैं उनके घर गया, एंड टोल्ड रमा राव वाइफ, और मैंने रमा राव की वाइफ से कहा, आई विल सेंड सम वाटर मिल्क फॉर यू, और मैंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क भेजूंगा, बटर मिल्क माने छाछ भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फेच इट, और रत्ना से कहना कि आकर ले जाए, फेच इट माने, फेच माने होता है निकालना या ले जाना, ठीक है, आकर वो ले जाए, मैं कुछ भेजूंगा। तो रत्ना केम, रत्ना आई, इट वाज अ फ्राइडे, फ्राइडे का दिन था, सो सी वाज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, एक बहुत शानदार साड़ी पहनी हुई थी, सी वाज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, एक बड़ी शानदार साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, तो मैंने उससे, अब ये रंगा रत्ना उसके घर गई, तो मैंने उससे कहा टू सिट इन माई रूम, कि मेरे कमरे में बैठे, एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि एक गीत गाए। आई सेंट फॉर रंगा, और मैंने फिर रंगा को बुलावा भेज दिया,
सेंट फॉर रंगा, माने रंगा को मैंने बुलावा भेज दिया। वाइल सी वाज सिंगिंग, जब वो गा रही थी द सॉन्ग, जब वो गा रही थी तो कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच्ड द डोर, कृष्ण मूर्ति, अब यहां कृष्ण मूर्ति कहा कि मेरे आंखों के सामने अब रंगा रीच द डोर, रंगा दरवाजे पर आ गया, यानी जब वो गा रही थी तो कृष्ण मूर्ति यहां उसके लिए कहा गया रंगा के लिए, मेरे आंखों के सामने इन फ्रंट ऑफ माई आईज, इन फ्रंट ऑफ माने होता के सामने, मेरी आंखों के सामने आ गया वो रंगा, रंगा रीच द डोर यानी दरवाजे पर आगे जब वो गा रही थी तो ये रंगा आ गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, कि अब जब वो गा रहा था तो थ्रेशोल्ड माने दहलीज, दहलीज पर ही जब वो गा रही थी रत्ना तो ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, तो वो दहलीज पर ही रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि गाना स्टॉप हो, बंद हो, बट वॉज क्यूरियस, लेकिन वो उत्सुक था टू सी द सिंगर, कि ये गा कौन रहा है, उस सिंगर को देखने के लिए वो बहुत उत्सुक था। केयरफुली, बड़े सावधानी से, ही पीप्ड इन, उसने अंदर झांका, द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और जब उसने कमरे में झांका तो जो लाइट रूम पे आ रही थी वो ब्लॉक्ड हो गई, यानी जो प्रकाश आ रहा था वो बाधित हो गया। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर की तरफ देखा, एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर, और एक अजनबी को देखकर देयर, वहां एब्रप्टली स्टॉप्ड, कि उसने एब्रप्टली बड़े मतलब अचानक उसने गाना बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ आगे, सपोज, अब सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, अब लेखक थोड़ा फिर बात से आगे आते हैं दूसरी बात पर। सपोज मान लो, अब लेखक कहते हैं कि यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, आप सबसे अच्छा क्वालिटी का मैंगो खरीदते हैं। यू ईट इट स्लोली, आप इसको धीरे धीरे खाते हैं। सेवरिंग इट्स पील, सेवरिंग माने निकालते हुए, बाहर करते हुए, छिलकों को उतारते हुए, है ना, शेवरिंग इट्स पील बिफोर बिटिंग इन टू द जूस फ्लैश, कि पहले उसके छिलकों का आप शेवर करते हो, मतलब यहां कहने का मतलब अलग करना, यानी पहले एक एक करके छिलकों को भी आप उसका भी रस लेते हैं। इट्स पील बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फ्लैश, कि जिसका जूसी फ्लैश होता है, गूदेदार जो रसदार जो गूदा होता है, उस पर पहुंचने से पहले, माने उसको आप आराम आराम खा रहे होते हैं, उसका पूरा पहले छिलकों को वो कर रहे होते हैं, उसका भी रस ले रहे होते हैं ना, तो यू डू नॉट वॉन्ट, तो आप नहीं चाहते टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, कि इसका कोई भी पार्ट वेस्ट हो जाए। तो बिफोर यू टेक एनदर बाइट, कि फिर कोई अन्य बाइट लेने से पहले, दूसरा अगला निवाला लेने से पहले, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड्स, कि आप दूसरे निवाला ले रहे हो कि फ्रूट जो है वो स्लिप आउट हो जाए, छिटक जाए आपके हाथ से, एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर जाए। अगर ऐसा हो तो हाउ डू यू फील, तब आप कैसा फील करेंगे। तो रंगा फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, कि रंगा के चेहरे पर भी वही डिसअपॉइंट आया, वही डिसअपॉइंटमेंट आया, वही निराशा आई, व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, जब गाना रुक गया, तो रंगा के चेहरे पर भी वही चीज आई जो आनी चाहिए, जैसा उसके चेहरे पर आई वैसी जो आनी चाहिए वही रंगा के चेहरे पर भी आई। यू सेंट फॉर मी, माने लेखक ने उदाहरण दिया, यदि आम का आनंद ले रहे हो तो धीरे धीरे लेंगे, यदि एकदम से छूट जाए तो आपको कैसा लगेगा, ठीक वैसी जब गीत बंद हो गया तो रंगा को ही वैसे ही लगा। यू सेंट फॉर मी ही आस्क्ड एज ही केम इन, कि लेखक कहता है कि रंगा ने पूछा, यू सेंट फॉर मी, कि आपने मुझे बुलाया था, He asked as he came in, जैसे ही वो अंदर आया तो उसने इतना पूछा कि आपने मुझे बुलाया था, एंड सेट ऑन अ चेयर, और चेयर पर बैठ गया इतना कहकर। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, कि रत्ना थोड़ा डिस्टेंस पर खड़ी थी, हर हेड लोवर्ड, और उसका चेहरा लोवर हो गया, माने उसका चेहरा झुक गया था, हर हेड लोवर्ड, और उसका जो चेहरा था वो झुक गया था थोड़ा, कहने मतलब शर्म से। रंगा repeatedly glanced at her, और रंगा repeatedly माने बार बार, glanced at her, उस पर नजर मार रहा था, once एक बार, our eyes met, एक बार हमारी आंखें मिली, and he looked very embarrassed, और जब हमारी एक बार आंखें मिली, माने मैंने देखा कि रंगा उसको घूर रहा है, उसको देख रहा है, उस पर नजर डाल रहा है, तो फिर क्या हुआ, फिर उसको क्या हुई, ही लुक्ड वेरी एम्ब्रेस्ड, वो थोड़ा लज्जित हुआ, है ना, थोड़ा लज्जा आई उसको, थोड़ा वो संकोच में पड़ गया, उसको शर्म आ गई, ठीक है।
फिर आगे देखें, नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, कि नो वन स्पोक, कोई नहीं बोला फॉर अ लॉन्ग वाइल, कि थोड़े समय के लिए कोई भी. इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग. इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग. कि अब वो रंगा कहता है कि इट वॉज माई कमिंग, ये तो मेरे आने से हुआ कि जिससे गाना रुक गया. लेट मी लीव, मुझे जाने दीजिए. बर्ड्स वर मियर बर्ड्स, मियर बर्ड्स. कि लेखक कहता है कि जो उसके ये शब्द थे कि ये मेरे आने से गाना बंद हो गया, ये केवल शब्द ही थे, मियर बर्ड्स, केवल शब्द. द फेलो सेड, जो उसने कहे, यानी जो फेलो माने व्यक्ति, यानी रंगा ने जो कहे, ही वुड लीव, तो छोड़ देगा, बट डिड नॉट मेक अ मूव, माने वहां से वो निकल जाएगा लेकिन वो मूव नहीं किया, वहां से हिला भी नहीं. लेखक के कहने का मतलब ये है कि रंगा ये कह रहा है कि मेरे आने से गाना रुक गया, मुझे चलना चाहिए, है ना. लेट मी लीव, मुझे जाने दीजिए. वर्ड्स वर मियर बर्ड्स, मियर बर्ड्स, कि जो शब्द थे वो केवल शब्द ही थे. द फेलो सेड, ऐसा उसने कहा कि मैं चलूं लेकिन वो गया नहीं. ही वुड लीव, ऐसा उसने कहा कि वो छोड़ देगा, माने वो निकल जाएगा, लीव कर जाएगा वहां से. बट डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन उसने मूव नहीं किया, वो चला नहीं. हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स, कि कैसे कोई व्यक्ति शब्दों को एक्सपेक्ट कर सकता है टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग. कि व्यक्ति के शब्द एक्शन से यानी कर्म से कैसे मैच कर सकते इन दीज डेज ऑफ कलयुग, कलयुग के इन दिनों में. रत्ना रेन इनसाइड, कि रत्ना अंदर गई. ओवरकम वाई साइनेस, साइनेस से ओवरकम पाक होकर, ओवरकम माने यानी शर्मा कर, ठीक. ओवरकम बाई साइनेस माने उसको शर्म आ गई, ओवरकम माने होता पार पाना, ठीक, यानी शर्म आके वो अंदर चली गई. आफ्टर अ वाइल, कुछ क्षण बाद रंगा आस्क्ड, कि एक क्षण बाद रंगा ने पूछा, हु इज दैट गर्ल स्वामी, कि स्वामी ये लड़की कौन है, लेखक से पूछा. तो हु इज दैट इनसाइड, हु इज दैट इनसाइड, वो अंदर कौन है. अब समझिएगा, जब रंगा ने ये पूछा, अब यहां कॉमिकल वे में वो कहेगा कि हु इज दैट इनसाइड, कि वो अंदर कौन है. द लॉयन वॉन्टेड टू नो, कि लेखक का मजाक में कह रहा है, मतलब मन में सोच रहा है. द लॉयन वॉन्टेड टू नो, कि शेर जानना चाहता है, कि शेर जानना चाहता था कि अंदर कौन है. हु इज दैट इनसाइड द ही गॉट who had taken shelter in the temple. कि he got माने बकरा, who had taken shelter in the temple, कि जिसने मंदिर में शरण ली है. replied, उत्तर दिया. does it matter who am I, इससे क्या होता है. does it matter, इससे क्या होता है. who am I, इसमें क्या अंतर पड़ता है कि मैं कौन हूं. I am a poor animal, कि मैं एक बेचारा एक जानवर हूं. who has already eaten 9 lions, कि मैं पहले से ही 9 lions खा चुका हूं, यानी 9 शेर का शिकार कर चुका हूं. आई हैव ओड, और मैंने कसम खाई, टू ईट 1 more, कि मैं एक और खा जाऊंगा. टेल मी, मुझे बताओ, आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ तो मेल हो या फीमेल हो. द लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फियर, और शेर फ्लेड भाग गया द प्लेस इन फियर, यानी उस जगह से डर में भाग गया. इट सीम्स, ऐसे लगता है. कि लेखक अब यहाँ थोड़ा एक मूड चेंज करते हुए कहानी का, और थोड़ा बात करता है, कहता है कि अंदर कौन है. शेर ने ये जानना चाहा था कि अंदर कौन है, तो बकरे ने जिसने मंदिर में शरण ली है बोला, इसमें क्या अंतर पड़ता है, मैं कौन हूँ, मैं बेचारा पशु हूँ जो पहले ही 9 शेरों को खा चुका हूँ, मैंने एक और शेर खाने की कसम खाई है, और यह बताओ कि तुम नर हो या मादा. तो शेर भाई के कारण भाग खड़ा हुआ, ऐसा दिखता है. तो अपने लिए ये चीज लेखक कह रहा है अपने से, स्वयं से. तो लाइक द ही गॉट, बकरे की तरह, आई सेड, मैंने ये कहा, यानी मैं 9 लोगों का शिकार कर चुका हूं, 10 में तुम हो. तो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या है. टू आइदर ऑफ अस, कि हम में से कोई भी. हु इज सी, कि वो कौन है. अब हम में से, ये कोई बात थोड़ी हुई कि हम दोनों के इससे जानने से क्या फायदा हुआ. इट व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस, कि हम हमारे लिए क्या बात हुई. हु इज सी, कि वो कौन है. आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले से ही मैरिड हूं. एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड, और तुम मैरिंग काइंड हो नहीं, यानी तुम शादी करने वाले हो नहीं, यानी तुम शादी नहीं करना चाहते हो. मैं ऑलरेडी
शादी मेरी हो चुकी, तो ये पूछने से कोई फायदा नहीं कि ये कौन है जो अंदर चली गई, है ना। आगे देखें जरा, लेखक ने थोड़ा कॉमिकल वे में कहा है ये चीज, अब देखें आगे। वेरी होपफुली, बड़ी आशा से ही आस्क्ड, उसने ये पूछा, सी इज नॉट मैरिड देन। और रंगा क्या पूछता है, तो उसका विवाह अभी नहीं हुआ है। हिज वॉइस, माने लेखक ने ये चीज कही, ये चीज जो अभी ऊपर मैंने कही है, आपको बताई है, समझाई है, वो लेखक ने ये चीज कही कि अब हम लोगों को ये जानने से क्या फायदा कि वो कौन है, है ना। तो रंगा कहता है कि बड़े आशा से, क्या इसका मतलब उसकी अभी शादी नहीं हुई। हिज वॉइस डिड नॉट बैटरी हिज एक्साइटमेंट, कि जो जिस वॉइस में उसने कहा उसकी एक्साइटमेंट को ये बैटरी नहीं करती, कहने का मतलब उससे इसको धोखा नहीं मिलता। बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन मैं ये जानता था कि ये उसके अंदर कुछ है, कोई फीलिंग है। कि लेखक कहता है कि उसकी आवाज में कोई उत्तेजना नहीं दिखी, एक्साइटमेंट नहीं दिखी, पर मैं जानता था वह आवेग में था। कि आई न्यू इट वॉज देयर, कि उसके अंदर कुछ है, ये चीज मैं जानता था। हिज वॉइस डिड नॉट बैटरी हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, कि मैं ये जानता था कि उसके अंदर एक्साइटमेंट थी। लेकिन सी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, अब लेखक कहता है कि सी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, कि एक साल पहले उसकी शादी हो चुकी है। हर हिज फेस श्राइवेल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, कि लेखक कहता है उसका चेहरा श्राइवेल्ड हो गया, सिकुड़ गया, लाइक जैसे अ रोस्टेड ब्रिंजल, जैसे एक भुना हुआ बैगन, उसकी तरह उसका चेहरा सिकुड़ गया रंगा का, जब उसने ये सुना कि उसकी शादी एक साल पहले हो चुकी रत्ना की। तो आफ्टर अ वाइल, एक क्षण बाद, रंगा लेफ्ट, रंगा वहां से चला गया, सेइंग, ये कहते हुए कि आई मस्ट गो, अब मुझे जाना चाहिए। आई हैव वर्क एट होम, कि घर में मुझे थोड़ा काम है। आई वेंट टू आर शास्त्री, कि आई वेंट टू आर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि लेखक कहता है कि अब मैं शास्त्री के पास गया अगली मॉर्निंग, अगली सुबह। एंड टोल्ड हिम, और मैंने उससे कहा, कीप एवरी थिंग रेडी, कि सब कुछ तैयार रखो, टू रीड द स्टार्स, कि नक्षत्रों को के बारे में पता लगाने के लिए, रीड करने के लिए सब कुछ तैयार रखो, यानी अपना पोथी पत्र तैयार रखो। आई कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, कि लेखक कहता है कि मैंने उसको सब ट्यूटर्ड कर दिया, सब सिखा दिया। इन ऑल दैट आई वॉन्टेड टू से, आई वॉन्टेड हिम टू से, कि जो कुछ मैं चाहता था कि वो कहे, वो सब मैंने उसको सिखा दिया। कि उसको क्या क्या मैं कहलवाना उससे चाहता था, वो मैंने उसको सिखा दिया। किसको? शास्त्री को भी सिखा पढ़ा देता है लेखक। और फिर आगे क्या होता है, आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, कि लेखक कहता है कि जब उस दोपहर में रंगा से जब मिला, तो मैंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं पाया, यानी वो वैसे ही था जैसी वो फीलिंग लेके गया था। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, You seem to be lost in thought, I said. अब मैंने पूछा, क्या बात है, What's the matter? You seem, तुम लगते हो to be lost in thought, जैसे विचारों में खो गए हो, lost हो गए हो। तो nothing, कुछ नहीं, nothing's wrong, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। Believe me, मुझ पर विश्वास करो, कोई गलत बात नहीं है, ऐसा वो कौन कह रहा है, ये कह रहा है रंगा। Headache, तो क्वेश्चन मार्क, यानी लेखक पूछता, क्या सिरदर्द है, कम आओ, लेट्स गो, चलो चले एंड सी ए डॉक्टर, और डॉक्टर को दिखाएं, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो आई हैव नो हेडेक, आई एम माय यूजुअल सेल्फ, कि वो कहता है मैं अपनी यूजुअल सेल्फ में हूं, यानी सामान्य हूं मैं, मुझे कोई हेडेक नहीं है। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, कि वो कह रहा आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, मैं उसी चीज पर गया, मैंने उसी चीज से वेंट थ्रू, यानी उसी चीज से मैं गुजर रहा हूं। गो थ्रू माने होता है सफल होना या गुजरना, है ना, तो यहां गुजरने से अर्थ होगा। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, मैं उसी चीज से गुजर रहा हूं, व्हेन, जब द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, कि जब एक लड़की को चुनना हो अपने लिए शादी के लिए, तो जिस जैसी स्थिति होती है वही स्थिति से मैं इस समय गुजर रहा हूं, उसी दौर से गुजर रहा था। फिर बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोचता दैट कि दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन मैं ये नहीं सोचता, पर मैं नहीं सोचता कि तुम्हारी जो वर्तमान में कंडीशन स्थिति है, इसके लिए ऐसा ही कोई कारण है।
यही एक कारण, आई बट आई डोंट थिंक दैट दैट कुड बी अ रीजन, ये कारण हो सकता है फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन. रंगा स्टेयर्ड एट मी, कि रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मेरी ओर घूर कर देखा. कम आओ, लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आओ चलें और शास्त्री से मिलें. सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, मैंने ऐसी सलाह दी. वी विल फाइंड आउट, हम पता लगाएंगे वेदर की क्या है. गुरु एंड सनी आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, कि गुरु और सनी तुम्हारे लिए फेवरेबल हैं या नहीं है, यानी गुरु और सनी तुम्हारे सही चल रहे या नहीं चल रहे, ये हम पता लगाएंगे. ठीक है, तो रंगा अकम्पनीड मी, लेखक कहता रंगा रंगा मेरे साथ गया. विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोटेस्ट के, विरोध के. एज सून एज, जो ही शास्त्री सॉ मी, जो ही शास्त्री ने मुझे देखा तो ही एक्सक्लेम्ड, उसने चीख के कहा, चिल्ला के कहा. तो वह बोला, आश्चर्य में बोला है, माने आश्चर्य में बोलना होता है एक्सक्लेम करना. व्हाट अ सरप्राइज, क्या सरप्राइज है श्यामा. अब श्यामा जो नाम है वो लेखक का है. Haven't seen you for a long time, कि मैंने तुम्हें बहुत, haven't seen you for a long time, मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से ही देखा. What a surprise, कैसे आए, मतलब एक आश्चर्य, अरे कितनी आश्चर्य की बात है श्यामा, मैंने तुम्हें दीर्घकाल से नहीं देखा था. तो श्याम, तो आगे अब लेखक कहता है, श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट, कि श्यामा तो कोई नहीं, आपका सेवक है शास्त्री जी, द नरेटर ऑफ द ऑफ दिस टेल. अब जो सर्वेंट के बाद कॉमा लिखा, फिर लिखा द नरेटर ऑफ दिस टेल, इस कहानी का वर्णन करता है, यानी जो लेखक है वो अपने आप का परिचय उस शास्त्री को देता है कि मैं आपका सेवक हूं. ठीक, आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं नाराज हो गया और चिल्लाया. व्हाट, क्या, ओनली दिस मॉर्निंग, कि लेखक कहता है क्या, ओनली दिस मॉर्निंग, कि आज ही प्रातःकाल मिले थे तुम. शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने फिर मेरे सेंटेंस को आगे कंप्लीट किया और कहा, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, कि तुमने अपना सब काम फिनिश कर लिया है, एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, और फ्री होकर मुझे मेरे यहां आ गए. तो हैड ही नॉट डन सो, कि हैड ही नॉट डन सो, आई वुड हैव रियूंड आर प्लान By bursting like grains that are kept in the sun to dry. लो, कि लेखक अब कहता है कि यदि उसने ऐसा ना किया होता, had he not done so, अगर उसने ऐसा ना किया होता तो I would have ruined our plan, कि जो हमने प्लान बनाया था दोनों ने, शास्त्री और लेखक ने, वो प्लान क्या हो जाता, ruined हो जाता. By bursting like grains, और ऐसे ruined हो जाता जैसे जो बस्टिंग लाइक ग्रीन्स, ग्रीन्स माने होता है ना, बस्टिंग माने फट पड़ना. देट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, कि जो सूखने के लिए अनाज रखा होता है ना धूप में, वो फूट जाए तो वैसे ही हम फट पड़ते, यानी वो प्लान हमारा नष्ट हो जाता. तो आई वाज एक्सट्रीमली, यानी वो कह रहा है, जब उसने कहा अरे मैंने बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हें देखा, तो लेखक कह रहा है अगर मैं फिर, मैंने लेखक ने ये चीज कही कि अभी सुबह ही तो देखा था. तो इस पर लेखक वो शास्त्री कहता है कि यू फिनिश ऑल योर वर्क, तुमने सारा काम समाप्त कर लिया, अब तुम मेरे पास आए हो. तो ये सब औपचारिकताएं बातें हो रही, झूठी बातें है ना. तो लेखक ये फिर लेखक कहता है कि यदि हमने ऐसा ना कहा होता उसने, तो निश्चित ही हमारा प्लान फूट जाता, ठीक वैसे ही फूट जाता जैसे धूप, अनाज के दाने धूप में सूखने हेतु रखे हो. तो आगे कहता है, आई वाज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, कि लेखक कहता है आफ्टरवर्ड्स माने उसके बाद, कि आई वाज एक्सट्रीमली केयरफुल, मैं पूरी तरह सावधान था. ऑफ व्हाट, उसके प्रति. आई सेड आफ्टरवर्ड्स, कि इसके बाद जो मैंने कहा, मुझे जो भी इसके बाद कहना था मैं उसके प्रति सावधान था. शास्त्री टर्न टू रंगा, अब शास्त्री रंगा की ओर मुड़ा. When did the young son of our accountant clerk come home? और वो पूछता कि When did the young son of our accountant clerk? कि जो हमारे accountant clerk है, हमारा जो लेखपाल है, उनका बेटा कब घर आया? What can I do for him? और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? यानी ये दोनों से बात कर रहा है, लेखक से कह रहा है कि accountant का ये लड़का कब आया? मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? इट्स वेरी रेयरली,
ये बहुत दुर्लभ वाली बात है दैट की ही विजिट्स अस, कि वो हमें घूमने आया है, हमें देखने आया है, ये बहुत दुर्लभ बात है। तो टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, कि लेखक कहता है कि टेक आउट योर पैराफर्नेलिया। अब लेखक कहता है कि आपका पैराफर्नेलिया माने जो भी आपके जरूरी का जो सामान है, जो तामझाम है, वो सब निकालो। आर रंगा सीम टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कि जो हमारा रंगा है, हमारे रंगा सीम प्रतीत होता टू हैव समथिंग, कि कुछ है ऑन हिज माइंड, कि उसके मन में कुछ चल रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है। कैन यू टेल अस, क्या तुम हमें बता सकते हो, व्हाट्स वरिंग हिम, कि क्या चीज है जो उसको चिंतित कर रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या शैल वी पुट योर साइंस, क्या हम आपकी साइंस को रख सकते हैं ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यानी जो आपका ज्योतिष विज्ञान है, क्या हम उसको रख सकते हैं, ज्योतिष विद्या को टू द टेस्ट, टेस्ट करने के लिए ले लें क्या, मतलब इसको टेस्ट कर सकते हैं क्या, हम आपकी ज्योतिष विद्या की परीक्षा ले लें। शास्त्री से ऐसा लेखक कह रहा है कि अपना तामझाम निकालो, रंगा की कुछ दिमाग में चल रहा है और चलो, और कैन यू टेल अस, क्या आप हम बता सकते हैं व्हाट्स वरिंग हिम, क्या चीज है जो उसको चिंता में करे हुए है। तो शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम इसका टेस्ट ले सकते हैं आपकी साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी का, माने ज्योतिष विद्या का। देयर वाज अथॉरिटी इन माई वॉइस, अब लेखक कहता है कि मैंने जब ऐसा कहा तो मेरी वॉइस में एक अथॉरिटी थी, माने एक एक अधिकार था, एक रोष था, मतलब जैसे मुझे बोलना चाहिए अधिकार पूर्वक वो मैं बोला। एज आई स्पोक टू शास्त्री, जब मैंने शास्त्री से ये चीज कही तो मेरे वॉइस में एक अथॉरिटी थी, अधिकार था। तो ही टुक आउट टू सीट्स ऑफ पेपर, लेखक कहता है कि शास्त्री ने दो पेपर की सीट निकाली, सम कौरीज और कुछ कौड़ी निकाली, एंड अ बुक ऑफ पलमीरा, और ताम्रपत्र की एक किताब निकाली, पलमीरा माने ताम्रपत्र निकाली, पलमीरा लीप्स यानी ताम्रपत्रों की किताब निकाली, और सेइंग ये कहते हुए, और क्या कहने लगा शास्त्री, अर्थ इज एन एंशिएंट साइंस, अय्या, अब अय्या कोई आदर सूचक शब्द है, कि हमारा जो ये साइंस है बहुत पुराना है। देयर्स अ स्टोरी टू इट, इसकी एक कहानी है, इससे जुड़ी एक कहानी, देयर्स स्टोरी टू इट, बट आई वॉन्ट टेल यू, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा दैट स्टोरी नाउ, वो कहानी अभी आपको नहीं बताऊंगा। दिस इज नॉट अ हरि कथा, ये हरि कथा नहीं है, कि अब शास्त्री उनसे कह रहा है कि मैं आप इस हमारी ज्योतिष विद्या की एक कहानी है, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा विच, मैं नहीं बताऊंगा, ये हरि कथा नहीं, दिस इज नॉट हरि कथा, विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी यू मे गेट बोर्ड, कि ये अब वो कहता है कि पर मैं अभी कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि हरी कथा नहीं, जो आपको कहानी के अंदर की कहानी सुनाने से छूट देती है, अलाउ करती है, माने अनुमति देती है, कि आप विच अलाउ यू टू टेल अ स्टोरी, कि जो आपको अलाउ देती है, अलाउ करती है कि आप स्टोरी कहो विद इन अ स्टोरी, कहानी के अंदर ही कहानी बता दो, यू मे गेट बोर्ड, आप बोर हो सकते हैं, आई विल टेल इट, मैं आपको ये बताऊंगा टू सम टू यू सम अदर टाइम, किसी अन्य समय में आपको ये चीज बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट, अब शास्त्री ने अपनी लिप्स को, ओंठों को बड़े तेजी से मूव किया, माने चलाया, कुछ बड़बड़ा के बोला शास्त्री। एज ही काउंटेड हिज फिंगर्स, अब जब वो अपनी फिंगर्स को काउंट कर रहा था, माने उंगलियों पर कुछ गिन रहा था और कुछ ओंठों से बोल भी रहा था। एंड देन आस्क्ड, और फिर शास्त्री बोला, व्हाट्स योर स्टार, और बोला What's your star? क्या बोला कि आपका स्टार क्या है, माने आपका ग्रह क्या है, ये वो पूछा। बोला रंगा didn't know, अब रंगा नहीं जानता था, never mind, तो वो कहता है कोई बात नहीं। शास्त्री indicated with a shake of his head, कि शास्त्री ने indicate किया, इशारा किया with a shake of his head, अपने सिर को हिलाते हुए। He did some more कैलकुलेशंस, कि उसने कुछ कैलकुलेशंस किए बिफोर सेइंग, कहने से पहले, इन अ सीरियस टोन, कि एक सीरियस टोन में कुछ कहने से पहले उसने कुछ कैलकुलेशन किए। इट्स अबाउट अ गर्ल, माने अब शास्त्री अपनी अपनी थोड़ी बहुत ढोंग कर रहा है कुछ ना कुछ, और मतलब
पहले उंगलियों पर कुछ गिनता है, फिर उससे पूछता है कि तुम्हारा स्टार क्या है, ग्रह क्या है, तो रंगा को पता नहीं होता, कह रहा कोई बात नहीं। अब फिर अपना सिर हिलाते हुए संकेत में कहता है, वो कुछ हिसाब किताब लगाता है, फिर बड़े सीरियस टोन में वो कहता है, क्या कहता है, इट्स अबाउट अ गर्ल, ये एक लड़की के बारे की बात है। कहने का मतलब तुम्हारी समस्या किसी लड़की को लेकर है, ये बोल, चूंकि इसको ये पहले से ही पता होता है, वो बता देता है, लेखक सब ये लोग प्लान कर लेते हैं। तो आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, अब लेखक कहता है मैं आई हैड बीन कंट्रोलिंग, मैं कंट्रोल करता रहा अपनी हंसी को ऑल दिस वाइल, कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब मैं अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था, मैं अपनी हंसी को दबाए रखे था, बट नाउ, लेकिन अब आई बस्ट आउट लाफिंग, लेकिन मैं अब बस्ट आउट लाफिंग, मैं हंस पड़ा, बस्ट आउट माने फूट पड़ना, लाफिंग मैं हंस पड़ा, आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की ओर मुड़ा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, व्हाट आई हैड सेड, जो मैंने कहा था वही शास्त्री जी कह रहे, हु इज द गर्ल, लड़की कौन है वो, इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, कि अब लेखक कहता है ये आपका विनम्र सेवक है जिसने ये क्वेश्चन किया है, बताओ कौन सी लड़की, वो लड़की कौन सी है। तो शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल, तो एक क्षण के लिए शास्त्री फिर सोचने लगा, जब लेखक ने शास्त्री से पूछा कि बताओ लड़की कौन है, बिफोर रिप्लाइंग, उत्तर देने से पहले, सी प्रोबेबली, वह शायद संभवता, हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, अब शास्त्री कहता है कि शायद उसका नाम कुछ उसकी तरह है जो ओशियन यानी समुद्र में जो पाया जाता है, उसका नाम सागर, जो ओशियन, फाउंड इन द ओशियन, जो समुद्र में पाया जाता है उससे जुड़ा, यानी सागर शब्द से जुड़ा कोई नाम है उसका, तो कमला, कमला नाम है, मे बी, शायद, कुड इट बी पक्षी, मॉस, मॉस माने काई, तो कहता है क्या ये पक्षी है, यानी काई हो सकता है, काई है क्या नाम, तो मस्ट इट बी मॉस, ये मॉस हो सकता है, इफ, अगर इट इज नॉट कमला, अगर कमला नहीं है तो मॉस हो सकता है, माने काई हो सकता है, तो वाई नॉट पर्ल और रत्न, ये मोती, पर्ल माने मोती या रत्न क्यों नहीं हो सकता, द प्रेशियस स्टोन, जो रत्न होता है उसको कीमती पत्थर बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब पूछा जा रहा है वहां, शास्त्री कह रहा है कि समुद्र से संबंधित कोई नाम होगा, तो ये सब नाम सुझाए जाते हैं, काई सुझाया जाता है ना, कमला सुझाया जाता है, वो कह रहे हैं अगर ये सब ना होगा तो निश्चित ही कोई, तो लेखक कहता है फिर ये पर्ल या रत्न क्यों नहीं हो सकता, है ना, तो रत्ना द गर्ल इन रमा राव हाउस इज रत्ना, कि जो रत्ना नाम है वो लड़की है जो रमा राव के घर में है, टेल मी, मुझे बताओ, इज देयर एनी चांस ऑफ आर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट, अब वो कहता है कि इज देयर एनी चांस, क्या कोई चांस है, कोई अवसर है, कोई मौका है, ऑफ आर नेगोशिएशंस, की नेगोशिएशंस का, हमारी बात का, बियरिंग फ्रूट कि जो फ्रूट धारण करती हो बात, कहने का मतलब ऐसी कोई बात का अवसर है, बातचीत का, जिसका कोई फल निकले, कोई रिजल्ट निकले, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से ही सेड, उसने कहा, आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय सोचने के बाद, देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, कि रंगा के चेहरे पर, तो शास्त्री कह रहा अवश्य में हो, निश्चित, डेफिनेटली निश्चित, He said, after thinking for some time, कुछ समय सोचने के बाद शास्त्री कहता है हाँ है अवसर है बातचीत करने का, तो लेखक पूछता है क्या कोई अवसर है बातचीत का, कोई बातचीत हो सकती है, तो शास्त्री कहता है हाँ निश्चित ही हो सकती है, देर बाद सरप्राइज और रंगास पीस, अब रंगा के चेहरे पर एक सरप्राइज था, माने उसको आश्चर्य का भाव था, एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ प्रशंसा भी थी, प्रसन्नता भी थी उसको, आई नोटिस्ड इट, लेखक कहता है ये चीज मैंने नोटिस की, यानी ये लोग अपनी योजना बना रहे हैं, आपस में क्वेश्चन कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या कोई मौका है बातचीत का, तो वो शास्त्री कहता है हाँ है, डेफिनेटली है, तो उसके चेहरे पर थोड़ा सरप्राइज आता है और बड़ा प्रसन्न वो दिखाई देता है, ये चीज आई नोटिस्ड इट, लेखक ये चीज नोटिस करता है, लेखक कहता है मैं ये चीज नोटिस करता हूं उसके चेहरे पर, बट दैट गर्ल इज मैरिड, लेकिन वो लड़की तो शादीशुदा है, आई सेड, मैंने कहा, देन आई ट्यू टर्न टू हिम, तब मैं उसकी तरफ मुड़ गया, हिज फेस हैड फॉलन, और उसका चेहरा फॉलन हो गया, गिर गया, यानी चेहरा बुझ गया, कहने का मतलब है चेहरा नीचे झुक गया, ठीक, आगे देखिए जरा,
आई डोंट नो ऑल दैट। अब लेखक कहता है कि आई डोंट नो ऑल दैट, कि ये सब मैं नहीं जानता। आई डोंट नो ऑल दैट देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुइटेबल, कि आई डोंट नो ऑल, ये सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन लेखक पहले बताता है कि उसकी शादी हो चुकी, तब उसका क्या होता है, देन आई टर्न टू हिम, और तब मैं रंगा की तरफ जब मुड़ता हूं तो हिज फेस हैज फॉलन, तो उसका चेहरा बुझ जाता है, नीचे गिर जाता है, यानी तो आई माने उसको उदासी आ जाती। आई डोंट नो ऑल दैट, ये सब मैं नहीं जानता, देयर मे बी सम अदर गर्ल, कोई और लड़की हो सकती है, हु इज सुइटेबल, कि जो ऐसी हो। आई ओनली टोल्ड यू, मैंने केवल तुम्हें कहा है, व्हाट आर शास्त्र इंडिकेटेड, जो हमारे शास्त्र इंडिकेट करते हैं वो चीज मैंने कही है, शास्त्री सेड। अब शास्त्री ये चीज कहता है कि पहले लेखक अपने शास्त्रों के हिसाब से बताता है, कहता है कि मैंने ये नोटिस किया है, पहले लेखक ये नोटिस करता है कि उसका चेहरा उसके चेहरे में हंसी आई, और फिर शास्त्री लेखक कहता है कि मैंने ये सुना है, आई सेड, यहां से देखिए जरा, बट दैट गर्ल इज मैरिड, लेकिन वो लड़की मैरिड है, आई सेड, मैंने कहा। तो देन आई टर्न टू हिम, और जब मैंने इतना कहा मैं उसकी ओर मुड़ा, तो हिज फेस हैड फॉलन, तो उसका चेहरा क्या हो गया था, फॉलन हो गया था, माने गिर गया था, कहने गिर जाना माने झुक जाना, चेहरा झुक गया था उदासी से। तो शास्त्री इस पर कहता है, आई डोंट नो ऑल दैट, ये सब मैं नहीं जानता, देयर मे बी सम अदर गर्ल, कोई अन्य लड़की हो सकती है, हु इज सुइटेबल, आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, मैंने तुम्हें वही कहा है जो हमारे शास्त्र इंडिकेट करते हैं, शास्त्री सेड, शास्त्री ने यह चीज कही। वी लेफ्ट द प्लेस, अब हमने वो जगह से हम निकल आए, ऑन द वे, रास्ते में, वी पास्ड बाई रमा राव्स हाउस, हम रास्ते में रमा राव के घर से गुजरे, रत्नाबाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी, आई वेंट अलोन, मैं अकेला गया, एंड कम आउट अ मिनट लेटर, और एक मिनट बाद में आया, सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित होते हुए, सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज नॉट मैरिड, ये लड़की, यानी लेखक अब उसके घर से, वे लोग वहां से निकल आते, लेखक और रंगा, अब लेखक उसके घर से गुजरता है तो अंदर जाके पूछता है, रत्ना बाहर खड़ी होती है, तो बड़े आश्चर्य में फिर वो कहता है, ये वो लड़की नहीं है, इट सीम्स, ऐसे लगता है, समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज, किसी ने मुझसे किसी दिन कहा था कि ये वही है ना, कि वो कहता है कि मुझे शायद किसी ने कहा था कि ये वो वही है ना, उस दिन मुझे किसी ने बताया था, ठीक, कि वो विवाहित है, ऐसा बताया था, दैट सी वाज, कि वो विवाहित है। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस, कि व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, कि जो कुछ शास्त्री ने कहा है वो सत्य हो चुका है, आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, यानी जो शास्त्री ने कहा है वो सत्य हो चुका है, हो सकता है कोई और की शादी हो चुकी हो लेकिन इसकी नहीं हुई, बट रंगप्पा, लेकिन रंगप्पा, आई कांट बिलीव, लेकिन विश्वास नहीं कर सकता, दैट कि यू have been thinking of her, कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो, swearing on the name of माधवाचार्य, कि लेखक कहता है माधवाचार्य की कसम खाओ, and tell me, और मुझे बताओ, is it true, क्या ये सही है, what शास्त्री said, कि जो कुछ शास्त्री ने कहा, क्या ये सही है, तो I don't know whether anyone else would have been direct, कि लेखक कहता है मैं नहीं जानता कि कोई अन्य व्यक्ति इतना सीधा प्रश्न कर सकता है, कि anyone else would have been direct, कि इतना डायरेक्ट हो सकता है कोई व्यक्ति, कि मैंने सीधा रंगा से बोल लिया कि मान लिया वो लड़की नहीं है, लेकिन अब बताओ क्या तुम इसी के बारे में सोच रहे थे, रत्ना के बारे में, तो रंगा एडमिटेड, रंगा ने स्वीकार किया, देयर्स ग्रेटर ट्रुथ इन दैट शास्त्रा, तो देयर्स ग्रेटर ट्रुथ, तो बड़ी सच्चाई है इन शास्त्रों में, देन बी इमेजिन, जो हम सोचते हैं हमारी कल्पना से भी ज्यादा सच्चाई है, व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, कि जो कुछ उसने कहा है वो बिल्कुल सही है, शास्त्री वाज एट द बेल, अब शास्त्री कुएं पर था, व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, जब उस शाम में वहां गया, अब लेखक शास्त्री के पास जाता है उस शाम, तो कुएं पर था, तो आई सेड, मैंने कहा, सो शास्त्री गले, अब ये कहता है उससे जब वो जाता तो शास्त्री कुएं पर होता है, तो कहता है, सो शास्त्री गले यू रिपीटेड एवरीथिंग, कि तुमने सब कछु
सब कुछ तुमने रिपीट किया. आई हैड टॉट यू, आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, कि बिना, विदाउट गिविंग राइज, बिना कोई राइज माने उद्गम, टू एनी सस्पिशन, यानी तुमने ठीक वही चीज बता दी कि कोई संदेह भी नहीं उठने दिया, तुमने वही कह दिया जो शास्त्री गले का मतलब शास्त्री जी समझिए, ठीक है, शास्त्री गले का इधर अर्थ है शास्त्री जी, कि आपने वही कह दिया, वही रिपीट कर दिया जो मैंने आपको सिखाया था, कहा था कहने को, ताकि कोई संदेह राइज ना हो, उठे नहीं, सस्पिशन ना हो. व्हाट अ मार्वेलस शास्त्र योर सिच, तुम्हारे शास्त्र कितने मार्वेलस है, शानदार, यानी अभी ये मजाक उड़ा रहा है शास्त्री जी का. ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, कि ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, है ना, कि उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी, यानी शास्त्री को यह बात अच्छी बिल्कुल नहीं लगी. क्यों नहीं लगी? क्योंकि शास्त्रों की तारीफ भी कर रहा है और शास्त्री जी ने वही बताया था जो इसको, इसने शास्त्री जी को सिखा दिया था लेखक ने, तो लेखक कह रहा है उसको ये बात अच्छी नहीं लगी जब मैंने उसके शास्त्रों की तारीफ कर दी. व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो? व्हाट यू सेड टू मी वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र. लियो, अब शास्त्री कह रहा है कि व्हाट यू सेड टू मी, जो तुमने मुझसे कहा था, वाज व्हाट, ये वही था जो कुछ, व्हाट माने जो कुछ, आई कुड हैव फाउंड, जो मैं पता लगा सका, फाउंड आउट, फाउंड आउट माने पता लगाया, माई सेल्फ स्वयं फ्रॉम द शास्त्र, यानी तुमने मुझे वही कहा था जो मैं शास्त्रों से पता लगाया. डोंट फॉरगेट, मत भूलो, आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, कि जो भी मैंने कहा है वो मैंने डेवलप किया, विकसित किया, माने सोचा है, विचार किया है, ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, कि उन हिंट्स से, जो तुमने हिंट्स मुझे दी है, उससे मैंने ये चीज सोची है. टेल मी, मुझे बताओ, इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सीज, और मुझे बताओ जरा, क्या कोई भला व्यक्ति, डिसेंट मैन, कोई ऐसा कहेगा जो तुम कह रहे हो? ठीक, शास्त्री ऐसा कहते हैं. मुझे ये बताओ, क्या किसी भले व्यक्ति को ऐसा कहना चाहिए? तो रंगप्पा हैड कम, तो लेखक आगे कहता है, रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, कि अगले दिन. अब ये बात कब की हो रही थी? अभी 10 वर्ष पहले की, अभी वर्तमान में लेखक तुरंत, माने ये 10 वर्ष पहले ही कहानी अभी लेखक ने बताई, अब जिस दिन वर्तमान में ये कहानी लिख रहा है लेखक, तो लेखक उसी दिन की अब कह रहा है कि रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, कि अगले दिन रंगा मुझे, मतलब जिस दिन लिख रहा है वह उसी दिन बता रहा है कि अगले दिन, फिर जिस दिन ये शास्त्री से बात हुई, तो फिर शास्त्री ये बात, ये पूरी कहानी 10 वर्ष पहले की हुई, ठीक है. फिर आगे अब शास्त्री कह रहा है कि अब अगले एक दिन की चर्चा, सॉरी, लेखक अगले दिन की चर्चा कर रहा है, कह रहा है, मतलब किसी एक और दिन की, जब इनकी शादी आदि हो चुकी, रत्ना की और उसकी, क्या नाम, रंगप्पा की, ठीक है. तो फिर आगे अब लेखक बाद में कह रहा है कि रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, कि रंगा किसी अन्य दिन आया है मुझे इनवाइट करने के लिए. व्हाट्स, अन्य दिन इनवाइट करने के लिए, व्हाट्स द ओकेजन, क्या अवसर है, कि क्या अवसर है, मैंने पूछा, यानी कहे क्या है, इनवाइट करने के लिए क्यों आए हो, किस चीज के लिए इनवाइट कर रहे हो? तो मैंने जब भी पूछा, तो इट्स श्यामास बर्थडे, ही इज 3, कि वो कह रहा है कि श्यामा का बर्थडे है, ही इज 3, वो 3 साल का, यानी श्यामा जो है वो लेखक का नाम है, और श्यामा जो रंगा का लड़का है उसका नाम है, अब वो 3 साल का हो गया है ना, तो उसका जन्मदिन है, तो उसके लिए इनवाइट करने आया है लेखक को रंगा, ठीक है. इट्स नॉट नाइस नेम श्यामा, ये श्यामा अच्छा नाम नहीं है. आई सेड, मैंने कहा, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, कि लेखक कहता है आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, कि मैं जो ऑयल केक होता है, ऑयल केक माने होता है खली, जो जानवरों को जो भिगोई जाती है और भूसा के साथ खिलाई जाती है, जो खली बोलते हैं, तो कहता है मैं खली का एक काला टुकड़ा हूं, मेरे नाम पर नाम रख दिया. यानी लेखक रंगा और रत्ना के लिए इतना स्पेशल था कि उन्होंने अपने लड़के का नाम श्यामा रख दिया लेखक के नाम पर. तो जब ये नाम रखा, तो लेखक पूछता है कि ये अच्छा नाम नहीं है, तो कहता है मैं तो एक खली के काले टुकड़े की तरह हूं. व्हाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम, कि तुमने अपने इस गोल्डन चाइल्ड, यानी अपने इस सुनहरे बच्चे का नाम ऐसा क्यों रखा,
व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, तुम कितने चाइल्डिश, माने अब यहां भोले से अर्थ समझ लीजिए या समझ लीजिए मूर्ख समझ लीजिए, चाइल्डिश माने मूर्खतापूर्ण होता है ना, तो आप इतने बचकाने क्यों हो तुम लोग, रत्ना एंड यू, तुम और रत्ना, आई आई नो, मैं जानता हूं आई नो, इट इज द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड, ये अंग्रेजी रिवाज है, इंग्लिश कस्टम है ऑफ नेमिंग अ चाइल्ड, बच्चे के नाम रखने का, आफ्टर समवन यू लाइक, उसके नाम के बाद नाम रखने का, यानी आफ्टर नेम आफ्टर माने होता है किसी के नाम पर नाम रखना, है ना, तो समवन यू लाइक कि मतलब ये अंग्रेजी रिवाज है जिसको हम पसंद करते हैं उसी के नाम पर नाम रख देते हैं, योर वाइफ इज 8 मंथ प्रेगनेंट नाउ, और अब तुम्हारी वाइफ 8 मंथ की प्रेगनेंट है, यानी दूसरा बच्चा भी आ रहा है, हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, कि अब कौन है तुम्हारी माँ की मदद करने के लिए खाना बनाने में, तो माई सिस्टर हैज कम विद हर, तो वो कहता है कि मेरी रंगा कहता है कि मेरी बहन आ गई है, आई वेंट देयर फॉर डिनर, कि मैं वहां डिनर के लिए गया, श्यामा रस्ट टू मी, श्यामा मेरे पास दौड़ के आया, व्हेन आई वॉक्ड इन, जब मैं अंदर गया, एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स, और उसने अपने हाथों को मेरे लेग्स माने मेरे पैरों के चारों ओर कर दिया, कहने का मतलब हाथ पैर पे उसने रख लिए, उसने उसके हाथ अपनी टांगों पर लगा दिए, क्या है, पुट हिज आर्म्स ठीक अराउंड माई लेग्स, उसने अपने हाथ उसके पैर के चारों ओर लगा दिए, कहने का मतलब आई किस्ड, कहने का मतलब पैर लगाने का मतलब उसने प्रणाम किया, ठीक, तो आई किस्ड हिम, और लेखक कहता है मैंने उसको किस किया ऑन हिज चीक, उसके गाल में, एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टिनी लिटिल फिंगर, टिनी माने होता है छोटी, उसकी टाइनी लिटिल फिंगर यानी छोटी सी जो अंगुली थी उस पर उसने एक रिंग पहना दी लेखक ने, यानी उसको गिफ्ट दिया ये, अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, अब लेखक रीडर से कहता है माने पाठकों से कहता है जो भी इस चैप्टर को पढ़ रहा है उससे कहता है कि अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, क्या मुझे अनुमति दें कि मैं आपसे लीव लूं, अलविदा लूं, विदा लूं, आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा यहां हूं, रेडी तैयार टू सर्व यू, आपकी सेवा के लिए, यू आर नॉट बोर्ड, आप बोर नहीं हुए होंगे आई होप, मुझे ऐसी आशा है क्वेश्चन मार्क, यानी मुझे आशा है कि आप निश्चित रूप से बोर नहीं हुए होंगे, ठीक, तो ये जो चैप्टर है लास्ट लास्ट में भी लेखक मजाक करके जाता है और बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आ गया होगा आपको कहानी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हुई, तो आशा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।